ओके सो हेलो व्यूअर्स एंड ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं YBY फंड ऐप। ये क्या ऐप है, कैसे काम करता है, रियल है, फेक है, विड्रॉ प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, YBY फंड जैसे आप लोग वेबसाइट में जाओगे, ये आप लोगों को पहले साइन अप कराएगा, मतलब बहुत सारा खेल है जो कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त है जो आसाम से बिलोंग करता है और वो मुझे कॉल करके बोलता है कि एक YBY फंड ऐप करके ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें आपको 6000 इनिशियल डिपॉजिट करना है। फिर क्या होगा, ये जो भी प्लेटफॉर्म है वही आप लोगों को डेली टिप देंगे कब बाई करना है, कब सेल करना है, और डेली लोग अर्न कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ये तो मैंने बोला रुक भाई मैं चेक करता हूँ, ठीक है, मैं भी इसी फील्ड का हूँ, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है पता है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके वो बेसिस पे बहुत सारे फेक प्लेटफॉर्म्स निकल रही है। अगर आप लोग देखोगे इनिशियली अभी के टाइम में, देखो कलर ट्रेडिंग करके एक है जिसका तिरंगा ऐप कुछ था, जिसमें 3 पीपल यहाँ में अरेस्टेड हो चुके हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बहुत पहले बनाया था, 3 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाया था कलर ट्रेडिंग के ऊपर, कि देखो ये एक पूरा स्कैम है जो भी प्लेटफॉर्म है, अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से बरामद हुआ है। तो ऑनलाइन के ज़माने में जो ट्रेडिंग नाम है उसको बदनाम ही हो चुका है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को सबसे पहले समझनी चाहिए, पहले थोड़ा बहुत तो यार इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। 2024 में हैं हम लोग, ठीक है, स्पेशली आसाम में बहुत सारे ऐसे मतलब फेक प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इतना भी फ्री में अगर अर्निंग्स हो जाती तो बैंक और सारा कंपनीज चलती ही नहीं है ना। तो अभी के लिए मैं आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, YBY फंड ऐप क्या है। मैंने दोस्त से सारा क्लिप मांग लिया और जो भी वेबसाइट में हमको इन्फॉर्मेशन मिला वो तो फ्री में अवेलेबल होता ही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इस ऐप की एक और एक्टिविटी नोटिस की कि अपनी स्प्रेड को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कम समय में डाउनलोड करें और अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें, उसके लिए इसने MLM वाला मॉडल अपनाया, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला मॉडल अपनाया, जिसके तहत ये लोगों को ये छलावा दे रहा था कि अगर आप इसको फर्दर आगे पुश करेंगे इस व्हाट्सएप मैसेज को या जो रेफरल कोड है, तो आपको अगले यूजर की अर्निंग का 15%। सो चलो बात करते हैं इस YBY फंड ऐप वेबसाइट। देखो सबसे पहली बात, YBY फंड जो भी है वो एक ट्रेडिंग ऐप माना जाता है, जिसमें आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग टाइप होता है, कॉल और पुट होता है, टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग टाइप होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये YBY फंड ना तो ये प्ले स्टोर में मिलेगा आप लोगों को, ना तो ये किसी रेगुलेटर से रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे कोटेक्स पॉकेट ऑप्शन होते हैं, बड़े बड़े रेगुलेटर से कम रजिस्टर्ड है। इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, फिर भी समझ रहे हो ना कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कुछ रेगुलेटर से रजिस्टर्ड है। तो ये तो रजिस्टर्ड वगैरह छोड़ो, प्ले स्टोर में नहीं है पहली बात। सेकेंड बात यह है कि इसका जो भी ऐप आता है वो जो थर्ड पार्टी ऐप आता है, आप लोगों को APK डाउनलोड करना पड़ता है थर्ड पार्टी से। तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को YBY फंड ऐप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड करते हो, फिर आप लोगों को यहाँ में इनिशियल 6000 डिपॉजिट करना पड़ता है, और जो प्लेटफॉर्म है YBY फंड वाले वो आप लोगों को टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ में आप लोगों को डेली रात के 9 बजे के आसपास बाई और सेल की टिप देते हैं। तो वहाँ में क्या होता है, जो एसेट होता है ना वो मुझे लगता है यही वाले चलाते हैं जो प्लेटफॉर्म के ओनर हैं, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिन तक रहेंगी नहीं, ये 2024 में ही कुछ मंथ हुआ है आए हुए, स्पेशली आसाम में पता नहीं क्यों ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में लोग फंस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होता है ये सारे मार्केट्स के ऊपर, जो भी फॉरेक्स है, क्रिप्टो है या फिर इंडियन मार्केट हो गया, बस वो लोगों को जो भी प्लेटफॉर्म से सुनते हैं वहीं में वो लोग चले जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म का और भी डिटेल बताता हूँ। रेगुलेटर तो छोड़ दो, प्ले स्टोर में नहीं है, APK है, उसके बाद भी यहाँ में आप लोगों को प्लेटफॉर्म वाले ही टिप देते हैं बाई सेल की व्हाट्सअप में। और इसमें जैसे आप लोग घुसोगे ऐप, मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो आप लोग इसको रेफरल मॉडल्स भी है, जिससे अगर आप लोग किसी फ्रेंड को इन्वाइट करते हो और वो अपना इन्वाइट करते आप लोगों को कुछ 400-500 मिल जाता है, फिर जैसे ही वो अपना 6000 रुपीज़ इनिशियल रिचार्ज करेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको 15% का उसका कमीशन मिलेगा। तो रेफरल सिस्टम बहुत ही लगा दिया है, तो क्या होगा, लोग इसको और ज़्यादा रेफर करें और उनके पास और ज़्यादा मनी कैश कलेक्टिव होता जाए। तो ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा पुराना नहीं है, नया नया आया है, कितने दिन में भागेगा पता नहीं, लेकिन
इतना तो श्योर है कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ में कुछ लोगों को विड्रॉ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले बात करने वाली चीज़ें हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म में जैसे आप लोगों को ट्रेड देते हैं, वो ट्रेड कैसा होता है कि एक होता है कॉल और पुट, अप डाउन का ट्रेड होता है, टाइम फ्रेम एक होता है 1 मिनट का, और उसके हिसाब से यहाँ में रिटर्न बनते हैं, जो कि खुद जो प्लेटफॉर्म का मालिक है वही आप लोगों को बाई सेल की रिकमेंडेशन दे रहा है। तो ज़्यादा श्योर यहाँ में हम लोग हो जाते हैं कि प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा जेन्युइन है। बाकी जब विड्रॉ आप लोग करने जाओगे, तो मेरे फ्रेंड ने अभी 6000 कुछ डिपॉजिट किया था, अभी उसके वॉलेट में 12000 के आसपास है। डेली ये लोग टिप प्रोवाइड करते हैं, तो 12000 से जैसे ये विड्रॉ करेगा उसका 20% जो है वो चार्ज कटेगा, तो विड्रॉ में भी आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने जैसे ही देखा, जितना भी मैंने चीज़ें देखी एज़ पर माई एक्सपर्टीज़ ऑन इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बाकी जितने भी रेगुलेटर हैं, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि YBY फन ऐप 100% जेन्युइन ऐप नहीं है। कितना दिन तक चलेगा नहीं पता हम लोगों को। ऐसे बहुत सारे आते हैं, पहले देखो क्लॉक ट्रेडिंग, रॉक ट्रेडिंग, क्या क्या आया था इनका वेबसाइट का अगर डोमेन देखोगे, फिर डोमेन होगा ही नहीं, बाद में आप लोग ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गया ये YBY फन, दुनिया से गायब हो जाएगा ये YBY फन, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। बाकी विड्रॉ की बात करें तो देखो, जिनको भी विड्रॉ प्रॉब्लम आ रहा है, बाय चांस आप लोगों के पास एक ही मौका है कि आप लोग सपोर्ट को रीच करो, जो सपोर्ट टीम होता है उनको रीच करो और आप लोग उनसे हेल्प मांग सकते हो। और सपोर्ट यहाँ में हेल्प मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता। और एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों का बहुत बड़ा अमाउंट गया है तो आप लोग कहीं में FIR रजिस्टर करा सकते हो अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में। जैसे आप लोग FIR रजिस्टर कराओगे, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हो सकता है आप लोगों को ये जितने भी लोगों का यहाँ में इन्वेस्टेड था, अगर भागता है मतलब आप लोगों के साथ कुछ होता है, विड्रॉ नहीं देते हैं, तो कंप्लेन कर सकते हो। तो क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे कलर ट्रेडिंग में यहाँ में एक्सपोज हुए हैं, फिर तेलंगाना में भी कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सपोज हुए हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को न्यूज़ दिखाया था इंडिया टीवी का, तो बहुत सारे जगह में ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कहीं कहीं पकड़ रहे हैं पुलिस, लेकिन मैक्सिमम को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि वो लोग जैसे पैसे मिलते हैं वो लोग भाग जाते हैं आराम से और दुनिया से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बता दी, सपोर्ट को रीच करो, और अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है, आपका फंस गया है, तो आप लोग सिंपल से एक FIR दाखिल कर लो अपने आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन है उसके आसपास, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा एजुकेटेड रहिए, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहोगे तो आप लोगों का ही नुकसान है, ठीक है। तो यही मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई थोड़ी बहुत तो बात, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जाते हैं। कलर ट्रेडिंग को हमने देखो 3 महीने पहले ही इसको एक्सपोज किया था कि ऐसे नहीं होता है, ये स्कैम है, ठीक है। तो मैं एंड स्क्रीन में और एक वीडियो लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो, अगर मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और बनाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।